नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान की इमरान सरकार की गलतियों और मतभेदी नीतियों को अभी तक पाक जनता सब्र के साथ इसलिए नजरअंदाज कर रही थी कि पिछली सरकारों ने जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय अपना सारा समय लूट खसोट में लगा दिया। पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार से तंग आवाम को उम्मीद थी कि इमरान नोडा देश में फैले भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा अर्गिज नहीं हो पाया और अब पाकिस्तान के हालात काबू से बाहर हो गए हैं। अगर पटरी से लुढ़क चुकी अर्थव्यवस्था को नहीं संभाला गया तो इस मुल्ला मुल्क के दिवालिया होने के दिन ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरह से वेंटिलेटर पर आ गया है। चीनी, आटा, सब्जी, तेल और तैमन टोपी के बड़े रेट यहाँ हाहाकार मचा रहे हैं। इमरान नोडे ने अगस्त 2018 में सत्ता संभालने के बाद कहा था कि वह सबसे पहले जनता की समस्याओं को हल करेंगे और प्रशासन में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा, पर दो साल बीत जाने के बाद पाकिस्तान के हालात बद से भी बदतर हो गए हैं। मजे की बात यह है कि तीन दिन पहले ही इमरान लोंडे ने लाहौर के करीब दुबई की तर्ज पर एक नया शहर बनाने का ऐलान कर दिया है। यानी जो लोंडा 50 लाख घर के वादे में एक घर नहीं बना पाया, वह लाहौर में दुबई जैसा शहर बसाएगा। शायद दुबई की तरह ही लाहौर में समुन्द्र भी लाएगा और आसपास के इलाके को रेगिस्तान में भी तब्दील कर देगा। यह शहर उसी रावी नदी के किनारे बसाया जाएगा जिसका पूरा पानी भारत पहले ही रोक चुका है और अब यहां पर गंदगी और कीचड़ फैला हुआ है। इस रावी नदी में केवल बारिश के दिनों में ही भारत पानी छोड़ता है, जिससे हर साल बरसात में भारी तबाही मचती है। वैसे इससे पहले अंडों, भैंसों, मुर्गी और जैतून के तेल से तशरीफ चमकाने के सपने लोंडा दिखा चुका है। इस बार नए लाहौर शहर की तख्ती मुल्ला कौम की पीठ पर टांग दी है। यह बड़ी घोषणा उस वक्त की गई जब मुल्ला बेगम पूरी सब्जी मंडी में प्याज के भाव पता करने के बाद प्याज नहीं खरीद पाए हैं और चीनी के बजाय सैकरीन से चाय बनाने की रेसिपी खोजी जा रही है। अब 110 रुपए प्रति लीटर का दूध पीना इस मदरसा मुल्क में हर किसी के बूते की बात नहीं है। हालत यह है कि पाकिस्तान का मतलब भ्रष्टाचार, पाकिस्तान का मतलब बेरोजगारी, पाकिस्तान का मतलब महंगाई और पाकिस्तान का मतलब आतंकिस्तान बन गया है। खास बात यह है कि पाक के मदरसा कानूनों का फायदा उठाकर 1044 से ज्यादा कंपनियां और रसूख वाले लोगों ने पिछले 25 सालों में 4 खरब 90 अरब 6 करोड़ रुपए के कर्ज माफ कराए हैं। इनमें राजनेता और कारोबारी लोग शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी लोग पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। इस बड़ी रकम ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बुढ़ापा याद दिला दिया है, मगर बावजूद इसके पाक के टोपीबाज आवाम को किसी रियाद से मरहम लगाने की कोशिश नहीं की गई। पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 5.94% से बढ़कर 9.3% पहुंच गई है, जबकि महंगाई दर 18 से 22% तक जा पहुंची है। सरकारी आंकड़े आज 20 से 11% बताकर शर्मा नहीं रहे हैं, बल्कि इमरान बेशर्मी से घबराना नहीं बोलकर तैमन छिपाओ अभियान को बढ़ावा देने पर तुले हैं। टमाटर के भाव 100 रुपए किलो और चीनी 100 रुपए किलो साबित करती है कि इस देश में 100 रुपए से नीचे कुछ भी नहीं है, जबकि पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 169 रुपए प्रति डॉलर के करीब जा पहुंचा है। साल 2014 में भी पाकिस्तानी करेंसी की यही हालत हुई थी, मगर तब सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर की मदद देकर उसे बचा लिया था, परंतु इस बार इमरान लोंडा सऊदी को आंखें दिखाकर अपने पैर कुल्हाड़ी मार चुका है। पाकिस्तान का यह फंटर पीएम 2 महीने पहले भारत को जनता के पास पैसे कैसे भेजे पर व्याख्यान देने की डिंगे मार रहा था। यानी खुद तो पाकिस्तान को गोबर के ढेर पर बैठा दिया, भारत को तैरने की कला बताने चला था। पाकिस्तान के खटारे इतिहास का यह वो 54 प्रास है जिसने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा घोषणाएं की है, मगर पूरी एक भी नहीं कर सका। वैसे भी बकलोली करने और घोषणाओं की तख्तियां लटकाने से वह परवाह नहीं चढ़ती है। उन्हें आकार देने के लिए पैसा और नेक नीति दोनों की जरूरत पड़ती है, जो इस मदरसा मुल्क में किसी के पास नहीं है। अभी चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने पीओके में रेलवे लाइन की एक और तख्ती छपवाई है। पाकिस्तान ने कहा है कि 6 अरब 20 करोड़ डॉलर की रकम से यह लाइन बनाई जाएगी। इससे पहले यहां पर 8 अरब डॉलर की लागत से द आमेर बासा डैम की तख्ती पहले ही लटकाई जा चुकी है। रावी नदी पर बनाए जाने वाले 30 अरब डॉलर की लागत वाले शहर की तख्ती प्रिंटिंग हो रही है। यानी ये तख्तियां उस कंगाल मुल्क में बनवाई जा रही है जिनके पास तैमंद के पैबंद खरीदने के लिए पैसे नहीं है। एक तख्ती परसों ही फाटा इलाके के जिले खैबर में भी लगाई गई थी, जहां करोड़ों पेड़ लगाने का इमरान ने ऐलान किया था, मगर उसे 10 घंटे भी नहीं बीते थे कि स्थानीय मुल्लाओं ने तख्ती के साथ साथ इमरान के पौधे भी उखाड़ दिए। ऐसा करने वाले ये वही टोपीबाज हैं जो इमरान के दावेवादों और तख्तियों से तंग आ चुके हैं। लोगों का यही कहना है कि पहले उन्हें महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाए, उसके बाद इमरान जमकर तख्तियां छपवाए। पर बदतर हालत में पहुंच चुके इस मुल्ला मुल्क की झूठी अकड़ आज भी आसमान पर पहुंची हुई है।
यहाँ की मदरसा पैदाइश ख्वाबों में ही सही पर भारत से बराबरी की बात कर रही है। कश्मीर पर वापसी के रट्टे के रूप में सऊदी अरब जैसा विश्वसनीय मित्र गंवा चुके हैं। चीन के हाथों में धीरे धीरे पाकिस्तान की डोर कसती जा रही है। स्थिति यह है कि जब दुनिया का कोई देश इस आतंकी मुल्क में फूटी कोड़ी लगाने को तैयार नहीं है, वहां चीन बेतहाशा निवेश कर रहा है। पाकिस्तानी आवाम के भविष्य से लापरवाह पाक हुकुमरान चीन के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। जानकर हैरानी होगी कि जिनपिंग ने सीपैक मंसूबे को पाक के योजना मंत्रालय से अलग कर एक सीपैक अथॉरिटी बना ली है, जिसका चेयरमैन कहने को तो पाक फौज का सिम बाजवा है, मगर उसकी पूरी कमान सीधे जिनपिंग के हाथ में आ गई है। सीपैक अथॉरिटी के बन जाने से पाकिस्तानी सरकार की भूमिका किनारे कर दी गई है। अब सीपैक में कोई भ्रष्टाचार होगा या फिर इसके निर्माण में आने वाली भूमि अधिग्रहण की कोई भी प्रक्रिया होगी, जिनपिंग इसमें अपनी मनमर्जी चलाएंगे। जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, चीन उन पर अपने कानूनों के हिसाब से कार्रवाई करेगा। हैरानी की बात यह है कि अगर इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी कोई गड़बड़ी करते हैं तो उन्हें भी चीन की सीपैक अथॉरिटी की जांच का सामना करना पड़ेगा। चीन की पाकिस्तान में भीतर तक घुसपैठ साबित करती है कि चीनी कर्ज के दबाव में पाकिस्तान की सरकार बेबस हो चुकी है। पाकिस्तान पर लदा चीन का भारी कर्ज और निरंतर बढ़ता ब्याज का बोझ उसे चीन की आह में आह मिलाने को मजबूर कर रहा है। भारत के लिए इसमें सुकून की बात यही है कि अगर चीन इस मुल्ला मुल्क पर अधिकार करता है तो कम से कम यहाँ के टोपीबाजों की हालत भी शिजियांग के उइगर समुदाय वाली हो जाएगी, जो रेडिकल इस्लाम पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा सकती है, क्योंकि चीन से बेहतर इनका इलाज दूसरा कोई देश नहीं कर सकता है। दूसरी समस्या अगर है तो वह पीओके है, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा जब तक उसके पास पीओके नहीं आ जाता या चीन पूरी तरह से आवी ना हो। इसलिए पीओके को लेकर भारत पर भी दबाव बढ़ रहा है। भारत को अपने हिस्से को हासिल करने के लिए रोज रणनीतियां बदलनी पड़ रही है। चीन हर महीने 20 दिन में पीओके में कोई बड़ी घोषणा करने में लगा है, जिससे भारत पर बढ़ता दबाव उसे जल्द एक्शन को मजबूर कर सकता है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त बेहद कमजोर है। यह कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा मौका है, वरना चीन का पीओके में बढ़ता हस्तक्षेप भविष्य में भारत का सिरदर्द बढ़ा सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।